हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी पुट किया था। आप हमारा कम्युनिटी सेक्शन रोज़ देखा कीजिए, उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालते हैं और बाकी स्टूडेंट्स उसमें आंसर्स का रिप्लाई करते हैं पोल के थ्रू। तो हमने एक क्वेश्चन पुट किया था कि आपको क्या लगता है कि 2021 कैट में आपके LRDI में कितने परसेंटाइल आएंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसमें रिस्पांस दिया था, मोर देन 400 स्टूडेंट्स ने उसमें रिस्पांस दिया है। ठीक है, सभी का रिस्पांस ऑलमोस्ट सेम है, तो आप वो देखना। ठीक है, और पहले आप अपना रिस्पांस चेक कर लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। इसमें हम लोग आपको कंपेयर करके बताएंगे कि 2017 कैट से लेके 2020 कैट तक में LRDI कैसा रहा है और कितना टफ रहा है, कितना ईजी रहा है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि LRDI में उनका बहुत ज़्यादा आराम से स्कोर आ जाएगा, या जिन लोगों ने सिर्फ अभी तक बेसिक ही LRDI टाइप के क्वेश्चन किए, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस किए, अगर उनको लगता है कि LR इतनी ही ईजी होती है, तो आप एक बार कैट का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैट की जो LRDI है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बैंकिंग SSC के एग्ज़ाम्स से। ठीक है, इवन IIFT और CMAT जो एग्ज़ाम है, इनकी LR भी काफ़ी इजी होती है, कैट की LR बहुत टफ होती है ना। तो आप आज का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो आपको पूरा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि LRDI में कैसे आपको तैयारी करनी रहेगी, दिमाग में आपके फिट हो जाएगा कि कितने नंबर में कितने परसेंटाइल आते हैं, और सब रियल डाटा है ना, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको कैट, जैट, IIFT, CMAT, SRCC, IPMAT इन सब के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस हम लोगों ने फ्री में प्रोवाइड किए हुए हैं, है ना। क्वांट के पूरे सॉल्यूशंस हैं और LRDI के कैट 17, 18, 19 के सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और 2020 के भी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम लोग अपलोड कर देंगे। तो उन सबको आप बहुत ध्यान से देखना और सीखना, क्योंकि हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझाते हैं, ये आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कैट IPMAT, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको एक PDF मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, तो उसमें आपको कैट, जैट, IIFT, CMAT, SRCC, IPMAT के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके आगे उस वीडियो की ड्यूरेशन लिखी हुई और लिंक दी हुई है, तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस की आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है क्वांट LRDI के लिए। ठीक है, मेन कैट में अब ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला आपको वो दिख रहा होगा चार्ट, है ना, या बार ग्राफ है, तो फर्स्ट वाला जो दिख रहा होगा ये है कैट 2017 का, 2017, देन ये है 18, फिर 19 का ग्रीन, और ये 20 का। अच्छा, 17, 18, 19 से रिलेटेड पहले मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दिख रहा होगा, है ना। देखिए, सबकी टेबल ऊपर ऊपर बनी हुई है, चार्ट सबके, है ना, पिलर्स। तो इनमें 32 क्वेश्चन आते थे और 96 मार्क्स का ये होता था। अब लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड कैट का ड्यूरेशन थोड़ी कम हो गई थी, तो उससे क्या हुआ, LRDI में लास्ट ईयर 24 क्वेश्चन आए थे और मार्क्स 72 थे, इसलिए ये आपको मार्क्स थोड़े थोड़े कम दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से अपन एनालिसिस करते हैं, शुरुआत करते हैं। 90% अगर हमें लाना है तो पिछले चार साल में 17, 18, 19 और 20 में क्या क्या ट्रेंड रहा है। तो देखो, अगर हम 17 की बात करें तो 27 मार्क्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 क्वेश्चन आपके एकदम करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, 2018 में 30 मार्क्स मीन्स 10 क्वेश्चन, और 2019 में 11 क्वेश्चन, 32 मार्क्स है ना, 33 मान लो तो 11 क्वेश्चन। तो देखो, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन 2017, 18 और 19 में कैट में। ठीक है, तो आपके 90% आ जाएंगे। अच्छा, 9, 10, 11 का मतलब होता है, 9 की अगर बात करें तो 2-3 सेट, अगर आपने 2-3 सेट अच्छे से कर लिए, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना, 2 सेट करेंगे। देखो, 32 क्वेश्चन का मतलब 8 सेट्स होता था, है ना, 8 सेट्स, हर सेट में 4 क्वेश्चन होते थे, है ना,
तो अगर 9, 10 और 11 क्वेश्चंस हैं तो 2 to 3 सेट्स, सोचो अगर 2 सेट भी अच्छे से कर ली तो आप 90 के आसपास आ जाओगे, और 9, 10, 11 क्वेश्चन है, 3 सेट अच्छे से कर लिए तो आपके 90 या उससे ऊपर ही आएंगे। 2020 में 20 मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल आए हैं। 20 मार्क्स मीन्स, इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन है ना, क्योंकि कुछ सेट में इसमें 6 क्वेश्चन भी थे और कुछ सेट में इसमें 4 क्वेश्चन भी थे। तो या तो आपने 6 वाला पूरा एक कर लिया हो, या 4 वाले 2 कर लियो, या अपने हिसाब से देख लेना। तो 7 अप्रॉक्स क्वेश्चन में आपके 90 परसेंटाइल आ जाते इस बार के कैट में 2020 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारे को 95 परसेंटाइल लाना है। ध्यान देना, मेरे जो वीडियोस रहते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि आपके मोर देन 90 या 95 परसेंटाइल ही आए, तो 90 से कम की अपन लोग बात ही नहीं करते, है ना, क्योंकि कम परसेंटाइल पे क्यों हम अपना एनर्जी वेस्ट करें, ठीक है। अभी तो हम लोग नेक्स्ट ईयर कैट की तैयारी कर रहे हैं, और अभी से सोच लेंगे कि 90 से कम आएगा तो फिर हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो आप हमेशा अच्छा ही सोचो, इसलिए मैंने आपको जो ग्राफ बता रहा हूँ वो उतने ही परसेंटाइल के लिए बता रहा हूँ जितने आपके आने चाहिए, ठीक है। मोर देन 90 और 95 और 98 या 99, और भगवान ने चाहा तो 100 भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, 100 परसेंटाइलर के कितने मार्क्स थे 2019 और 20 में वो भी बताऊंगा। अब हम बात करते हैं 95 परसेंटाइल की। तो देखो 33 मींस 11 क्वेश्चन जिसने सही किए होंगे 2017 में, उसके 95 परसेंटाइल आ गए होंगे। ये भी 11 क्वेश्चन ही मान लो, 34 मार्क्स भी है, ऑलमोस्ट सेम है, 33-34 मार्क्स। 19 का जो कैट था एज कम्पेयर टू 17-18 ईजी था, इसलिए 19 में एकदम से बढ़ गए ना 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अगर 17-18 की ही बात करें तो 3 सेट, और अगर 19 की बात कर रहे हैं तो 3 to 4 सेट्स, है ना, क्योंकि एक सेट में 4 क्वेश्चन होते थे, है ना। इस मार्क्स से आपको आइडिया लग जाएगा कि देखो आउट ऑफ 32 क्वेश्चन सिर्फ 10-11 क्वेश्चन करने से हमारे 90-95 परसेंटाइल बन रहे हैं, मतलब LRDI कितनी टफ होगी। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत है ना। और कई लोग बुक से करते हैं, अगर आपने हमारे वीडियो देखे हो तो हम लोगों ने कितने आसान आसान तरीके से टफ क्वेश्चन कराए। तो जिन भी लोगों को हमारा LRDI का वीडियो कोर्स परचेस करना है तो ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप आराम से परचेस कर सकते हो। जितना अच्छा हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स है उतना ही अच्छा हमारा LRDI का भी वीडियो कोर्स है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे इसमें, है ना, कैट 2021 तक, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैट 2020 में कि कितना आपने क्वेश्चंस किए होंगे। 24 मार्क्स समझ में आ रहा है, 8 क्वेश्चंस, या तो 6 का 1 सेट कर लो, या 4 का 1 हाफ कर लो, या पूरा ही कर लो देख लो, है ना, या 4 के 2 सेट कर लो। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेट से इस बार कैट 2020 में, 2 सेट पूरा पूरा मान लेते ऑन एन एवरेज 4 का लेके, तो 2 सेट्स करके आपके सोचो कैट 2020 में 2 सेट अगर आपने अच्छे से कर लिए थे तो आपके 95 परसेंटाइल आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इस बार कम हो गया था क्वेश्चन। अब 98 परसेंटाइल की बात करते हैं। तो देखो 17-18 में ऑलमोस्ट सेम था, 40 मार्क्स पे ही आपके 98 परसेंटाइल आ गए थे। 40 मार्क्स का मतलब है 13+ क्वेश्चन दोनों में, 13+ का मतलब 3 सेट कंप्लीट कर लो और एक आध सेट का एक आध क्वेश्चन, है ना। तो 3 सेट ही आप मान के चलो, 3 सेट + 1 क्वेश्चन आपके आराम से 98 परसेंटाइल आ जाते, है ना। ओवरऑल 13 क्वेश्चन में, 13+ में आपके कैट 2017-18 में 98 परसेंटाइल आए थे। वहीं जैसा कि मैंने कहा था 19 का कैट का LRDI इजी था, तो यहाँ पे यही आए थे आपके 16 क्वेश्चन मान लो, है ना, 16 × 3 = 48, 16 क्वेश्चन का मतलब पूरे के पूरे 4 सेट। जिन्होंने 4 सेट एकदम सही किए होंगे, एक आध क्वेश्चन बस गलत हो गया, है ना, उनके आ गए होंगे 98 परसेंटाइल कैट 2019 में। और अभी की बात करें कैट 2020 की तो 31 मार्क्स, 31 मान लो आप 10 क्वेश्चन, 10 to 11, है ना, 10-11 क्वेश्चन में इन लेस देन 3 सेट्स, अगर 4 सेट के हिसाब की बात करें, ठीक है, या 6 का 1 सेट कर लो, 4 का 1 कर लो और एक आध क्वेश्चन और कर लो, तो 2+ सेट्स में इस बार के कैट में 98 परसेंटाइल भी आए होंगे। मेरे LRDI का वीडियो कोर्स जिन लोगों ने लिया हुआ था उनमें से काफ़ी लोगों के 98 आए हैं इस बार इतने मार्क्स पे, ठीक है, उन्हीं का डेटा आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 31 मार्क्स पे इस बार 98 परसेंटाइल आया है, क्लियर है। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है आपको अच्छे से अगर प्रिपरेशन करोगे, है ना। इसमें काफ़ी ट्रिक्स हमने बताई हुई हैं कि कैसे कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, है ना।
तो इस बार समझ लो 10 to 11 क्वेश्चन जिसने सही किए होंगे कैट 2020 में, उसके 98% आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 99% कितने मार्क्स पे आएंगे। तो कैट 17 की बात करें तो 15 क्वेश्चन है ना, 15 3 से 45, ये भी 15+ यानी 16 15 16 के बीच में, या तो 15 करोगे 16 कुछ गलत हो जाएगा, 19 क्योंकि इजी था तो इसमें 17+ क्वेश्चंस में है ना। अब यहीं हम कैट 2020 की बात करें तो 36 यानी 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मतलब चार के सेट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो 3 सेट्स। तो 3 सेट जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे इस साल के कैट में, और इस बार सुना है कि कैट 2020 की LRDI काफ़ी टफ थी है ना, तो अभी मैं सॉल्यूशन तो आपको इजी से इजी बना के डाल ही दूंगा, तो आप चेक जरूर करना ठीक है, आपको टफ से टफ क्वेश्चन आसान लगने लगेगा ठीक है। तो 3 सेट जिसने अच्छे से कर लिए होंगे उसके इस बार कैट में, कैट 2020 में 99% आया होगा ठीक है। तो ये तो हमने जो बात की है कि 90, 95, 98, 99% की। अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, देखो 99 और 100% में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ठीक है। जैसे कैट 19 की बात करें, 52 मार्क्स पे 99% आया है ठीक है, और 100% के कैट 2019 में 92 मार्क्स थे आउट ऑफ 96। सोचो क्या ही किया होगा उसने ठीक है, 92 मार्क्स पे, तो वो तो अलग से ही पैदा होते हैं ऐसे बच्चे ठीक है। लेकिन हाँ, आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत हार्ड वर्क करो, आपने कोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प लो है ना, क्वेश्चन देखो कौन सा सीखना है, करने लायक है कौन सा करने लायक नहीं है, ये सब आप तरीके अपनाओगे तो आपके भी 99+ आ जाएंगे। और उस दिन दिन अच्छा रहा, आपसे सबसेट बन गए, सही समय पे सही क्लिक किया और सही सेट उठा लिया, तो आपके भी 100% आ सकते हैं। और 2020 में 57 58 मार्क्स अप्रॉक्स पे 100% आया था है ना। इस बार का तो टफ था, तो थोड़ा सा 100% के हिसाब से ये लो गया ठीक है। तो 58 अप्रॉक्स मार्क्स पे इस बार कैट 2020 में 100% आए थे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को हमारा LRDI का कोर्स परचेस करना है, पूरा कोर्स भी परचेस आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, या अगर आपको LRDI का इंडिविजुअल परचेस करना है, मैथ्स का करना है, तो वो भी कर सकते हो। LRDI का जो वीडियो कोर्स है उसका प्राइस जो है वो 12,000 रुपीज़ है। ये कुछ अकाउंट डिटेल्स दी हुई है, ये मेरे अकाउंट है SBI का, इसमें आप चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गूगल पे के थ्रू अगर आपको पे करना हो तो आप 8222068@OKSBI पे कर सकते हैं। UPI ID जो हमारी है वो है 8222068@SBI। भीम ऐप के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, उसकी जो ID है वो है 8222068@UPI, या QR कोड आपको दिख रहा होगा स्कैन करके पे कर सकते हैं। पेटीएम के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, उसका QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ठीक है। और जैसे ही पेमेंट हो जाए आप लोग ट्रांजेक्शन डिटेल support@thecreatorsworld.com पे सेंड कीजिएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, या आप क्रिएटर्स CREATORS क्रिएटर्स 2206@gmail.com पे भी ट्रांजेक्शन डिटेल मेल कर सकते हैं ठीक है। तो पेमेंट कंफर्मेशन होते से ही 24 आवर के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड हम लोग कर देंगे है ना। ये जितने भी वीडियोज हैं ध्यान रखिएगा आप अपनी Gmail ID से ही एक्सेस कर पाएंगे है ना, कोर्स की वैलिडिटी तक। वो कोर्स की वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक है, कोई सा भी वीडियो कितनी भी बार आप देख सकते हैं। और जब आप मेल करेंगे तो उसमें आप अपना नाम, एज, 10th 12th की मार्कशीट की कॉपी, कॉलेज नेम, मोबाइल नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा। और आप कंप्लीट अगर कोर्स खरीदेंगे इंक्लूडिंग प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है ना, ये जो कंप्लीट कोर्स के साथ ही मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, तो इसके लिए आप अपना एड्रेस भी सेंड कर दीजिएगा ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आ गया होगा। Thanks for watching this video.